बिलारी क्षेत्र के गांव सैदनगर उर्फ नया गांव के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर राशन कोटेदार पर दबंगई और राशन वितरण में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शनिवार को ग्रामीणों ने राशन कोटेदार राजेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन कर एसडीएम घनश्याम वर्मा को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि राशन विक्रेता दिल्ली में रहता है और दबंग लोगों से राशन की दुकान चलवाता है। एक यूनिट पर मिलने वाला 5 किलो राशन नहीं दिया जाता और ग्रामीणों को गाली गलौज कर फटकार लगाकर भगा दिया जाता है। राशन विक्रेता द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करना मामूली सी बात हो गई है। इसको लेकर राशन विक्रेता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है, जिसमें एसडीएम ने ग्रामीणों को जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान मुख्य रूप से रामेश्वर, भूकन सिंह, गिरधारी, भूदेई, भगवान देई, राजपाल सिंह, रामरक्ष पाल, जयमंती आदि सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। समस्या यही है, राशन आप तक नाम मिल गया। क्या नाम है आपका? राम किशोर। रामपाल। कौन से गांव से आए हो? नए गांव। अरे क्या समस्या क्या है? साहब राशन नहीं मिलती है। क्या कह देता है डीलर?